हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो ठेले वाली आइसक्रीम जो आप ठेले वाले से लेकर खाते हैं उसे किस तरह और कैसे बनाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खाली कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी। तो देखिए, ये मैं चीनी दे रही हूँ और इसे आपको लो फ्लेम पर बिना पानी डाले इसे मेल्ट करना है। तो देखिए, ये मैंने चीनी इसमें ले ली है। आप इसे लो फ्लेम पर ही करें, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगी और इसमें से जली हुई जैसी खुशबू आएगी। तो आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे इसी तरह मेल्ट कर लेना है। आपको इसे धीरे धीरे इसी तरह मेल्ट करना है। तो देखिए, धीरे धीरे नीचे से मेल्ट हो रही है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए। तो आप इसे लो फ्लेम पर इसी तरह छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो आपको इसे इसी तरह अपने लो फ्लेम पर इसे पकाना है, इसे मेल्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से मेल्ट होने लगी हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, आपको इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो आप इसे इसी तरह अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और एक तरफ मैं अपने गैस पर दूध रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप अपनी आइसक्रीम बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठेले वाले जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं नीचे से अच्छी से मेल्ट होने लगी है धीरे धीरे। तो इसे थोड़ा सा मैं पलट दूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे भी नहीं और अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल कैरेमल हो चुकी है। आपको इसे इसी कंडीशन में लाना है। और फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने अपना दूध रख दिया था, मैंने ये 250 ग्राम दूध लिया हुआ है। अब धीरे धीरे हम अपने दूध को अपनी चीनी में ऐड करेंगे। आपको अपनी चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। बिल्कुल इसी कंडीशन में मैं अपना दूध इसमें डाल दूँगी और धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे। इसमें इस तरह बबल्स बनेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने दूध को इसी प्रकार डालते रहिए और इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये चीनी है वो ऐसे इसके गट्ठे बन जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे ये अपने आप पिघल जाएगी। तो अब इसे थोड़ा सा आप हाई कर लेंगे ताकि हमारी जो ये चीनी है और इकट्ठी हो चुकी है वो अच्छे से पिघल जाए दूध के अंदर। आपको इसे इसी तरह बॉईल कर लेना है ताकि हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और आइसक्रीम के लिए तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया और कितना अच्छा आया हुआ है। तो अब आप इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह बॉईल होने देंगे। तब तक हमने थोड़ा दूध जो कटोरी में निकाला है, तो फ्रेंड्स लो फ्लेम पर हम इसे एक साइड में इसी तरह पकने देते हैं। और अब हमने जो दूध कटोरी में बचा रखा था या थोड़ा सा कटोरी में दूध निकाला था, उसमें हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन हो जाएगी, यह बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। आपको इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको इसमें मलाई डालने की ज़रूरत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कटोरी में दूध बचा रखा था और अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जिससे कि हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा और क्रीमी शेप में आ जाएगा, जिस प्रकार का हमें अपनी आइसक्रीम में ज़रूरत होती है। बिल्कुल आप ठेले वाली मटके वाली आइसक्रीम तैयार कर सकते हो इसे। और अच्छे से हम जो पहले से इसमें लम्स होंगे उन्हें ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए, ये मिल्क पाउडर मैंने इसमें सारा डाल लिया है। ये मैंने हाफ कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ था। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और एक तरफ हमारा दूध बॉईल होकर गाढ़ा हो रहा है और दूसरी तरफ हम अपने दूध में अच्छे से अपने मिल्क पाउडर को मिला लेंगे ताकि हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिलकर इसमें जाने के बाद गाढ़ा हो जाए। तो देखिए, आपको इसे अच्छे से जो इसमें लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर लेने हैं। मिल्क पाउडर डालने से आपकी आइसक्रीम काफ़ी क्रीमी तो बनेगी ही, इसका टेस्ट फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये आप ज़रूर मिलाइएगा। तो देखिए, मैंने इसके लम्स सभी ख़त्म कर लिए हैं। और इसका टेक्सचर और अच्छा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। जो ठेले वाली आइसक्रीम आती है उसे इसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैं इसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ये मीडियम चम्मच सिर्फ 1 स्पून डालनी है। और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दूध में जितने भी मैंने इसमें मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर मिलाया था वो अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं छोड़े हैं। तो आप धीरे धीरे जो दूध आपका बॉईल हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना बढ़िया कलर आया है। बिल्कुल ठेले वाली जैसे आइसक्रीम मिलती है वैसा कलर है। आपको इसमें आपको कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अब मैं इसमें डालूँगी धीरे धीरे अपना ये दूध ताकि हमारा ये बॉईल हो रहा है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और आप इसे इसी तरह हिलाते रहिए और जो बाकी का दूध है वो भी मैं इसी में डाल दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा दूध इसमें डाल दिया है। इससे आपकी आइसक्रीम काफ़ी क्रीमी बनेगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉईल होगा, थोड़ा सा दूध आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हो, और जो इसमें चीनी थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। उसमें आपको कोई दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार वह चीनी इकट्ठी हो जाएगी तो धीरे धीरे दूध जैसे जैसे गर्म होगा वो मेल्ट अपने आप ही आप होती जाती है। तो धीरे धीरे आप इसी तरह बॉईल कर लीजिएगा। और इसकी कंडीशन अगर आप और भी गाढ़ा चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी सी देर के लिए इसी तरह बॉईल होने दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हो, जो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर डाला था वो अच्छे से फूल चुका है, और उसने हमारे दूध को बिल्कुल रबड़ी जैसा तैयार कर दिया है। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने के लिए मैं इसे इस पैन में छान लूँगी, ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हो वो अच्छे से छन जाएँ चलने के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जो हल्की फुल्की गुठलियाँ इसमें बनी थी वो हमारे छलने के ऊपर आ चुकी हैं। आपको इसी तरह से छान कर रख देना है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा आपका दूध बिल्कुल रबड़ी जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल जैसी ठेले वाली आइसक्रीम आप लेकर खाते हो वैसा ही कलर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह और कैसे पहचानना है। तो इस प्रकार का आपको चम्मच लेना है, और जब इसकी कंडीशन इस प्रकार की हो, आपके चम्मच पर इस प्रकार लगे, तो आप समझ जाना इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। देखिए, इस प्रकार यह है बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अब आपको ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, जब पर जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे ही काफ़ी क्रीमी और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था। ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो, इसका काफ़ी बढ़िया टेक्सचर आया हुआ है। देखिए, और कलर में तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने 2 से 4 ये गिलास ले ली हैं। आप चाहो तो गिलास भी ले सकते हो। मैं इन्हें इस प्रकार गिलासियों में ट्रांसफ़र करूँगी। बड़े गिलास लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और धीरे धीरे मैं सभी को इसमें इस तरह डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को अपनी इस प्रकार गिलासियों में डाल दिया है। और अब आपको इस प्रकार का एल्युमिनियम फॉइल लेना है, और इसे थोड़ा सा कट कर लेना है, और इस प्रकार इसे अच्छे से चारों तरफ से बंद कर देना है। अगर आप चाहो तो इसमें साइड में रबड़ भी डाल सकते हो। वैसे इस प्रकार भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस प्रकार की अगर आप इसे आइसक्रीम उसमें डालना चाहते हो, तो डंडी से निकालना चाहते हो, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा इस ऊपर कट कीजिएगा, और ऊपर से इस डंडे को डाल दीजिएगा। ये आराम से इसमें रह जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे रख सकते हो। आपको इसे अभी जमाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिएंगे। तो इसी तरह मैं सभी के ऊपर यह ढक्कन लगाकर एक साइड में रख दूंगी, और जो हमारा और एल्युमिनियम फॉइल है उसके हम 2 पीसेस फिर से कर लेंगे। अब मैं इसे अपने फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो बड़े बाउल में भी डाल सकते हो। तो देखिए, हमने इस प्रकार इन्हें 4 गिलासों में डालकर इसे इस प्रकार रख लिया है। अब मैं इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये इस प्रकार की गिलासी में लिया हुआ था। देखिए आप, कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी और दिखने में जितनी अच्छी दिख रही थी, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो सभी के मैं कवर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इन्हें हल्का सा इस तरह हिला लूँगी, ताकि ये निकलने में इसमें दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, इस तरह की एक ट्रे लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रकार इसे चाकू इसमें डालकर, या फिर इसी प्रकार मैं इसे टेढ़ी करूँगी। देखिए, आप देख सकते हो कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए, इसमें से क्रीम भी बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही हैं। तो अब इसे थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर लूँगी, ताकि हम इसे चाकू से काट सकें। फ्रेंड्स, ये जितनी अच्छी दिख रही है, उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, हमारी यह आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ी गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। अब मैं इसे एक बार आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी बढ़िया और कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। देखिए, चेरी भी डाल दी है। देख सकते हो आप, कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मटका कुल्फी बनकर ये तैयार हो चुकी है। जैसी आपको आप मार्केट से लेकर खाते हो, उससे भी टेस्टी और उससे भी अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखिए,
और फ्रेंड्स ये है, पिघलती बहुत जल्दी है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी क्लिक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी।